नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइक विद स्कूल बेस्ट यूट्यूब चैनल फॉर स्टॉक मार्केट बिजनेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इंडियन मार्केट्स कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और ग्लोबल इंडेक्सेस कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। देन हम देखेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं न्यूज़ के चलते। देन FIIs और DIIs का डेटा देखेंगे दोस्तों। तो सर, कल की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स भी इंडेक्स पर अच्छे परफॉर्म किए थे, 0.6% तक ऊपर थे। अगर हम बात करें ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स की तो मिड कैप इंडेक्स भी 0.1% तक ऊपर था, 0.9% तक ऊपर था। दोस्तों, 17,000 के ऊपर निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने आपको बताया। आज गैप अप हो सकता है, SGX निफ्टी इंडिकेट कर रहा है 50-60 पॉइंट्स गैप अप होगा तो आपको बाय करना चाहिए दोस्तों। SL रहेगा 17,000, टारगेट्स आपको मिलेंगे 17,200, 17,250, यहाँ तक निफ्टी जा सकता है। बैंक निफ्टी में भी बाइंग की राय रहेगी, 35,000 का SL रहेगा, टारगेट्स रहेंगे 35,400, 35,500 तक। अगर ग्लोबल इंडेक्स की बात करें तो SGX निफ्टी देखिए 0.5% ऊपर है, 17,162 के लेवल्स पे। अगर ताइवान की बात करें तो 0.3% ऊपर है, स्ट्रेट टाइम से 0.3% ऊपर है दोस्तों। शांघाई थोड़ा वीक है, 0.5% नीचे है। अगर ओवरऑल देखिए तो US मार्केट भी ऊपर के साइड ही है, तो बाइंग बनती है, 17,000 कैसे लगा के बाई कर सकते हो। अभी हम देखेंगे स्टॉक्स जो फोकस में रह सकते हैं आज न्यूज़ के चलते। दोस्तों, स्टॉक्स की बात करें तो पहला है डेटा पैटर्न्स इंडिया, कंपनी आज लिस्ट होने वाली है। बोर्सेस पे इशू प्राइस था 585 रुपीज़। कल के दिन किसी को मेडप्लस हेल्थ का जो IPO लगा था उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा लिस्टिंग हुई है, 40-50% ऊपर लिस्टिंग हुई थी, उन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। आज डेटा पैटर्न्स जिनको भी मिला है IPO अलॉटमेंट, कॉन्ग्रेचुलेशन, इसमें भी अच्छा आपको लिस्टिंग गेंस मिल सकता है, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। दूसरा स्टॉक है PSP प्रोजेक्ट्स, द कंपनी हैज़ डाइवर्सिटेड इट्स 100% स्टेक इन PSP प्रोजेक्ट्स INC, अ होली सब्सिडरी ओन, अच्छी बात है कंपनी के लिए। नेक्स्ट आता है अलकार्गो लॉजिस्टिक्स, द कंपनी इज अप्रूव टू रीस्ट्रक्चर द बिजनेस बाय वे ऑफ अ स्कीम ऑफ अरेंजमेंट एंड डी मर्जर, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, इनलाइन कंटेनर डिपोर्ट्स एंड अदर रिलेटेड लॉजिस्टिक बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी डीमर्ज्ड इनटू अलकार्गो टर्मिनल्स एंड इंजीनियरिंग एंड इक्विपमेंट लीजिंग एंड हायरिंग सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग, रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड लीजिंग एक्टिविटीज एंड अदर रिलेटेड बिजनेस ऑफ द कंपनी विल बी डीमर्ज्ड इनटू ट्रांस इंडिया रियलिटी एंड लॉजिस्टिक पार्क। से अच्छी बात है अलकार्गो के लिए कि वो जो बिजनेस है वो दोनों डीमर्ज कर रहे हैं, एक जो फ्रीड बिजनेस है जो लॉजिस्टिक का बिजनेस है उनको अलकार्गो टर्मिनल्स बना रहे, और दूसरा जो इक्विपमेंट्स, इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस है, लॉजिस्टिक पार्क, वेयर हाउसिंग वाला, रियल एस्टेट रिलेटेड को जो बिजनेस है उसको ट्रांस इंडिया रियल एस्टेट लॉजिस्टिक पार्क्स में कन्वर्ट कर रहे। तो अच्छी बात है अलकार्गो लॉजिस्टिक्स के लिए, अच्छे दिन उठ सकता है। दोस्तों, तीसरा स्टॉक है अजंता फार्मा, कंपनी ऑन December 28 विल कंसिडर प्रपोजल फॉर बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, बायबैक लेने वाली है तो अच्छा माना जाता है, स्टॉक उठ सकता है। GPT इंफ्रास्ट्रक्चर, द कंपनी हैज़ बैक्ड ऑर्डर वैल्यूड एट 56 crores, ये भी अच्छी बात है, GPT इंफ्रा को 56 crores का ऑर्डर मिला है, तो ये स्टॉक में फोकस कर सकते हो। अभी हम देखेंगे FIIs और DIIs का डेटा। दोस्तों, FIIs की बात करें तो FIIs ने 271 crores की सेलिंग की थी और DIIs ने 1200 crores की बाइंग की थी, अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको बताया था वो फिगर कम होते जा रहा है FIIs का, कल परसों के दिन वो 800 crores समथिंग था, 271 हुआ है कल के दिन, अच्छी बात है। अगर आज ग्रीन में जाता है तो और मार्केट में बूम आ सकता है, 17,400 लेवल्स पे आ सकते हैं, तो नज़र रखिए, बाइंग करना चाहिए आपको, ऐसे लगा के होल्ड कीजिए दोस्तों, बाइंग पोजीशंस बनाइए, अच्छा प्रॉफिट सबको हो सकता है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट को इन डिटेल में समझना है तो माई इक्विटी स्कूल की तरफ से 16 टाइप्स के बेसिक टू एडवांस स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टमेंट कोर्सेज को डिज़ाइन किया गया है जो कि बिल्कुल फ्री है। वो आपको मंडे टू सैटरडे एवरीडे मिलेगा। आपको एनरोल करने के लिए व्हाट्सअप नंबर पर जो दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, उसमें व्हाट्सअप कर सकते हो और एल्स कॉल कर सकते हो नंबर पर। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ऐसे ही और भी टेक्निकल वीडियोस के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल माई इक्विटी स्कूल के साथ। और दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट करना भी ना भूले, थैंक यू।